नमस्कारम सदगुरु मैंने कई लोगों को आदि योगी को चावल अर्पित करते हुए देखा है चावल अर्पित करने का क्या महत्व है क्योंकि हम गेहूं खाने वाले नहीं चावल खाने वाले लोग हैं इसका महत्व ये है कि अन्न की भेंट में एक खास गुण एक खास तृप्ति होती है इसलिए हम चाहते हैं कि लोग अपने हाथों से एक जीवित अन्न भेंट करें यह जीवित है यह जीवित बीज है उन्हें भेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है तो उन्हें जीवित अन्न भेंट करके तृप्ति मिलती है और यहां मैनी मैन एंड वुमेन यंग पीपुल यहां रहने वाले बहुत से युवक और युवतियों ने जानबूझकर कुछ कमाई न करते हुए खुद को अपंग बना लिया है जिनमें मैं भी हूं हम कुछ कमाते नहीं है इसलिए हम इस पर गुजारा करते हैं तो लोग ये भेंट चढ़ाते हैं और हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके खाते हैं ये अच्छा चल रहा है इसके महत्व को कम मत आंकिए क्योंकि अपना भोजन खुद कमाने की क्षमता को त्याग देना एक व्यक्ति के लिए बहुत हिम्मत की बात है इसके लिए बहुत साहस चाहिए कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अपना कह सकें पर फिर भी आप राजा की तरह चलते हैं इसके लिए बहुत साहस चाहिए इसके लिए आपको ये मेरा है वो मेरा है जैसी चीजों से बहुत ज्यादा कीमती कुछ खोजना होगा अपने भीतर कोई बहुत कीमती चीज इसलिए मैं जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि युवाओं ने और मैंने पूरी चेतनता में भोजन कमाने की अपनी क्षमता को त्याग कर खुद को अपंग बना लिया है यहां ये युवा अपना भोजन कमाने में असमर्थ नहीं है निश्चित रूप से नहीं है वो कहीं भी अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं मैं कहीं भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूं ठीक है मगर हमने जानबूझकर वो अधिकार त्याग दिया है और लोगों की भेटों पर गुजारा करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जीवन गुजर बसर की प्रक्रिया के लिए समर्पित नहीं है हम नहीं चाहते कि हमारा समय और ऊर्जा अपने ही गुजारे में खर्च हो जाए तो लोग काफी दयालु और शानदार रहे हैं कि वो मुट्ठी भर चावल भेंट करते हुए इसका ध्यान रखते आए हैं हम इसके लिए हमेशा आभारी हैं